Now, second one is instance variable. Okay, instance variable मैंने बताए थे आप लोगों को कि ये यहां पर होते हैं instance variable और ये थे local variables D, C, E and F. ये थे local variables. Okay, तो अब हम बात करते हैं instance variables की. देखो, instance variable declare कहां किए जाते हैं? Within a class but outside method or constructor or block. तो हम लोग यहां लिख सकते हैं declaration कहां होती है इनकी? Inside the class but outside methods or constructors or blocks. Okay, then scope के instance variable कहां कहां हम लोग use कर सकते हैं? इंस्टांस वेरिएबल को हम लोग मेथड्स, सभी मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ब्लॉक्स के अंदर यूज कर सकते हैं. तो इनसाइड ऑल मेथड्स ब्लॉक्स एंड कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास विद इन अ क्लास. देन नेक्स्ट इज व्हेन वेरिएबल्स गेट्स मेमोरी एलोकेटेड. वेरिएबल्स मेमोरी कब एलोकेट करते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तो एक चीज का ख्याल रखना कि ये वाले वेरिएबल्स जेवीएम के अंदर मेमोरी तभी एलोकेट करेंगे जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड वेरिएबल्स एलोकेटेड, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट गेट्स डिलीटेड डिस्ट्रॉयड वेरिएबल्स रिलीजेस releases memory, वो memory से हट जाता है. Okay, then next point is stored memory. Instance variables कौन से memory में store होते हैं? Heap memory. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. Local variables store होते थे stack memory के अंदर, instance variables store होते हैं heap memory के अंदर. Okay, then default values. इंस्टांस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज होती है. दे हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, वैल्यूज लाइक इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? जीरो. बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स. अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल. देन नेक्स्ट पॉइंट एक्सेस स्पेसिफायर्स. Access specifiers can be used. Instance variable के साथ हम लोग access specifiers को use कर सकते हैं. And last point is how to access. किस type से हम लोग access कर सकते हैं? अगर simple method है तो कैसे access करेंगे? अगर static method है तो कैसे access करेंगे? Okay. अगर simple method है, it can be called directly. अगर सिंपल मेथड है तो ये डायरेक्टली कॉल हो सकता है. बट अगर स्टैटिक मेथड है, इन केस अगर स्टैटिक मेथड है तो फिर हम लोग इंस्टांस वेरिएबल को कैसे कॉल करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ए का सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ए ओ बी इक्वल्स टू न्यू ए, एंड देन मैं वेरिएबल को कॉल कराऊंगा, डेट इज ओबी डॉट ए. ओके, तो अगर स्टैटिक मेथड है तो हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस क्लास का, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा. ये केस स्टैटिक मेथड के लिए होता है. ओके, तो ये मेन मेन पॉइंट्स हैं इंस्टांस वेरिएबल्स के लिए. अब हम लास्ट वेरिएबल पर चलते हैं, डेट इज स्टैटिक वेरिएबल. ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स. Then first point is declaration. हम लोग static variables को declare कहां करते हैं? Within a class but using static keyword. Okay, with static keyword in a class but not, या फिर but outside a method or constructor or block. हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स को हमेशा स्टैटिक कीवर्ड लगाकर क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, किसी मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर यूज नहीं करते. ओके, द नेक्स्ट इज स्कोप.
स्कोप जो होता है वो इंस्टांस वेरिएबल की तरह ही है. स्टैटिक वेरिएबल्स का स्कोप इंस्टांस वेरिएबल की तरह ही है. स्कोप इज सिमिलर टू इंस्टांस वेरिएबल डेट इज इनसाइड ऑल मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स और ब्लॉक्स इंक्लूडिंग स्टैटिक मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स और ब्लॉक्स. ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल्स के स्कोप की अगर हम बात करें तो सेम ही होता है जैसे जैसे इंस्टांस वेरिएबल को होता है. तो स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग यहां पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे बी को हमने यहां पर भी यूज किया हुआ है, यहां पर भी यूज किया हुआ है. और अगर ये वाला मेथड स्टैटिक होता है तो फिर भी हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. ओके, देन थर्ड पॉइंट इज व्हेन वेरिएबल गेट्स एलोकेटेड, के स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी एलोकेट कब करता है. जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, मींस व्हेन वी रन प्रोग्राम एंड डॉट क्लास फाइल इज लोडेड. जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और डॉट क्लास फाइल लोड होती है मेमोरी में, तभी स्टैटिक वेरिएबल्स एलोकेट हो जाते हैं, वेरिएबल्स एलोकेटेड. बट जैसे ही वो वाले डॉट क्लास फाइल अनलोड होगी, व्हेन डॉट क्लास फाइल गेट्स अनलोडेड, वेरिएबल मेमोरी रिलीजेस या फिर वेरिएबल गेट्स डिलीटेड, गेट्स डिस्ट्रॉयड. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर्ड मेमोरी. स्टैटिक वेरिएबल्स कहां स्टोर होते हैं? नॉन हीप मेमोरी. इंस्टांस वेरिएबल हीप मेमोरी में स्टोर होते थे, बट स्टैटिक वेरिएबल्स नॉन हीप मेमोरी या फिर और स्टैटिक मेमोरी भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर स्टैटिक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं. देन डिफॉल्ट वैल्यूज, स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज भी सिमिलर टू इंस्टांस वेरिएबल. इंस्टांस वेरिएबल्स की तरह ही स्टैटिक वेरिएबल की भी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, जैसे इंटीजर की जीरो, बुलियन की फॉल्स, कोई ऑब्जेक्ट है क्लास है तो उनकी नल हो जाएगी वैल्यू. तो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है इनकी भी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस स्पेसिफायर्स. यस, एक्सेस स्पेसिफायर्स कैन बी यूज्ड. हम लोग इसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल के साथ. एंड देन लास्ट पॉइंट इज हाउ टू एक्सेस. अच्छा, अब स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के मेरे पास तीन वेज होते हैं. स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए तीन वेज होते हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्टली, या तो हम स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करवा सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग क्लास नेम. हम लोग क्लास के नेम के थ्रू डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल करवा सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम. जैसे इंस्टांस वेरिएबल को हम लोग कॉल करवाते थे, वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग उसी टाइप से कॉल भी करवा सकते हैं. तो स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करवाने के लिए तीन वेज हो गए. क्लियर है? ये मेन पॉइंट्स हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के. तीनों के मैंने आप लोगों को मेन मेन पॉइंट्स बता दिए हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो. अब मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम और दिखा देता हूं जिससे स्टैटिक एंड इंस्टांस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे. ये इंपॉर्टेंट भी है, इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं. तो देखो, मैंने एक क्लास डिक्लेयर कर दी, कोई भी क्लास, दैट इज क्लास एबीसी. ओके, एंड देन मेन मेथड यहां मैंने डिक्लेयर कर दिया. मेन मेथड डिक्लेयर करने से पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, दैट इज int a equals to 10 and static int b equals to 20. Then main method create kiya, that is public static void main string arguments. Ab maine kya kiya yahan, abc class ka ek object create kiya, abc ob equals to new abc. और मैं इन दोनों को प्रिंट करवा देता हूं. ए एंड बी वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा देता हूं, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ओ बी वन ऑब्जेक्ट का नेम है, देन ओ बी वन डॉट ए एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओ बी वन डॉट बी. ओके,
तो मैंने क्या किया इधर दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया, तो आउटपुट जो आएगी मेन मेथड क्लोज कर दिया, देन क्लास मैंने यहां पर क्लोज कर दी, तो आउटपुट जो आएगी इसकी वो क्या आएगी ob1.a आउटपुट आ जाएगी इसकी 10 एंड ob1.b मींस स्टैटिक वेरिएबल को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा सकता हूं जो मैंने अभी बताया भी था, तो आउटपुट इसकी आ जाएगी डेट इज 20। अब हम क्या करते हैं ob1.a मैंने क्या किया इसकी वैल्यू चेंज कर दी एंड ob1.b इक्वल्स टू इसकी वैल्यू भी मैंने चेंज कर दी, बी की वैल्यू भी मैंने चेंज कर दी, और अब आप प्रिंट करवा के देखो system.out.println ob1.a एंड system.out.println ob1.b, तो अब आउटपुट क्या आएगी ob1.a, पहले वैल्यू क्या थी कि 10, बट अब वैल्यू मैंने क्या कर दी चेंज कर दी, तो आउटपुट इज 1000 एंड सेम विद द स्टैटिक वेरिएबल आउटपुट विल बी 2000, पहले थी 20 चेंज कर दी मैंने वैल्यू और वैल्यू प्रिंट करवा दी तो आउटपुट विल बी 2000। ओके, बट अगर मैं यहां दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं मींस एबीसी ob2 इक्वल्स टू न्यू एबीसी, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं ob2.a एंड ob2.b, अब की बार आउटपुट क्या आएगी देखो, यहां कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब की बार क्या आउटपुट आएगी ob2.a की आउटपुट आएगी डेट इज 10, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था इंस्टांस वेरिएबल के केस में बताया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस केस में इंस्टांस वेरिएबल हर बार न्यू मेमोरी एलोकेट करता जाएगा, तो यहां पर इसने क्या किया न्यू मेमोरी एलोकेट कर दी जिसकी वैल्यू क्या है 10। And अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं दैट इज ob2.b, तो क्या ये वाली आउटपुट देगा, नहीं, क्यों, क्यों यहां पर आउटपुट इसकी क्या आ रही है 2000, why, because स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हमारे पास दैट इज ob1 एंड ob2, तो जैसे ही मैंने ob1 बनाया मेमोरी एलोकेट हो गई दैट इज a, ए की वैल्यू थी 10। सेम चीज जैसे ही मैं दूसरी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा डेट इज 10, फिर मैंने वैल्यू चेंज कर दी ए की वैल्यू क्या होगी 1000, देन बी की मैंने वैल्यू मैंने की, तो बी हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट्स के कॉरेस्पोंडेंस क्रिएट नहीं होता, बी हमेशा एक अलग मेमोरी एलोकेट करता है और वही मेमोरी ये क्या करेगा बार बार शेयर करता जाएगा इससे भी और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को शेयर करता जाएगा, तो स्टार्टिंग में बी की वैल्यू क्या थी 20, देन जब मैंने बी की वैल्यू चेंज कर दी मींस ob1.b बी की वैल्यू क्या हो गई 2000, तो जब मैं इसको दोबारा प्रिंट करवा रहा हूं यहां प्रिंट करवा रहा हूं तो ये क्या प्रिंट करेगा बी की वैल्यू ये 2000 ही प्रिंट करेगा बिकॉज वैल्यू चेंज हो चुकी है, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगी, क्लियर है ये चीज, तो ध्यान रखना स्टैटिक वेरिएबल्स हमेशा अलग से मेमोरी एलोकेट करते हैं और वो अपने आप को शेयर करते रहते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, बट इंस्टांस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टांस वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा, क्लियर है ये चीज, तो ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, ओके? अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है वेरिएबल से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको ये वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स में एक बार बताएं, अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें, थैंक यू।